अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। बाजार में राखी की विविध दुकानें सजी हुई है। रक्षाबंधन के पर्व पर नागपुर के श्रद्धानंद अनाथालय के छात्रों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाई जा रही है, जिसे शहर के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो भाई बहन के पवित्र बंधन को बांधता है। यह रिश्ता कितना भावनिक है यह बताने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। इस वर्ष 11 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया गया। बाजारों में विविध प्रकार की आकर्षक राखियां उपलब्ध है, लेकिन श्रद्धानंद अनाथालय के छात्रों द्वारा बनाई गई पर्यावरण के अनुकूल राखियों से नागपुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। पर्यावरण के अनुकूल राखियां जो सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ ही सस्ती भी है। श्रद्धानंद अनाथालय के छात्र पर्यावरण के अनुकूल राखियां बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में शुरू हुई इस पहल के तहत बनाई गई 5,000 राखियां बिक्री हो चुकी है। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।